और काम करने की सबका अता फरमा और करुणा की वबा से सारे आलम के अंदर हिफाजत फरमा तेलंगाना में अल्लाह जितने भी हाजिर हैं उनको ईमान की तरफ अता फरमा। अल्लाह जितने भी एक भलाई काम हो रहे हैं चेयरमैन साहब और काम करने की तौफीक अता फरमा और एमएलए साहब को भी शायद दे और सीएम साहब को भी शायद दे कि हमारी रियासत को तरक्की के काम में आगे बढ़ाए। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खतीन हम वली वली को समीज में मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा इस्लामपुरा 26 वार्ड में सीसी रोड की इनॉग्रेशन के लिए जनाब एमएलए संजय कुमार साहब और मोहतरमा चेयरमैन मैडम साहब और वाइस चेयरमैन और मेरे साथी जो काउंसलर्स है जो
जो जो मेरे काउंसलर्स है और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुजाहिद भाई, मेरे महले के लिए डेवलपमेंट के लिए MLA साहब मेरे को बुला के ख़ास तौर पे बात करे हैं, ख़ास तौर पे बोले हैं कि आपके महले के लिए शकील जो मैं आपके लिए जितना हो सके उतना मैं आपके लिए कभी भी साथ रहूँगा। और मेरा महला भी MLA साहब को इलेक्शन के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी के साथ, शायद ही माइनॉरिटी वार्ड्स में पहला मेरा वार्ड है जो MLA साहब को जितनी मेजॉरिटी यहाँ से मिली है, मैं भी MLA साहब को मुबारकबाद देते हुए और MLA साहब को मेरे वार्ड को आप ख़ास तौर पे ख्याल रखने के लिए ख़ास तौर पे अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ। और चेयरमैन मैडम से ख़ास तौर पे, मैडम हम भी आपके साथ है, आप हमारा साथ दिए तो हम भी आपके साथ कभी भी रहेंगे। और मेरा महला भी साहब आपको नहीं भूलता साहब, आप मेरे महले के लिए डेवलपमेंट के लिए मैडम से और MLA साहब से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं और माइनॉरिटी को भी ख़ास तौर पर साहब आप हमारे माइनॉरिटी को साथ लेके चलिए साहब, हम भी आपके साथ हैं साहब हर वक्त आप माइनॉरिटी, क्योंकि आज CM KCR साहब माइनॉरिटी को हर टाइम पे हर जगह माइनॉरिटी को साथ लेके चल रहे हैं। और हर वो काम में जो शादी मुबारक ऐसे बहुत से स्कीम्स है, मैं बोलने बैठा तो जो CM साहब आप हमको माइनॉरिटी को साथ लेके चल रहे हैं साहब, आप भी हमको वैसी साथ लेके चलिए साहब, आप लेके चल रहे हैं साहब, ऐसा नहीं है आप नहीं लेके चल रहे बल्कि नहीं, फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, मेरे वार्ड से एक रिक्वेस्ट है और साहब चेयरमैन मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, मेरे वार्ड के लिए ख़ास तौर पे देखिए साहब, मेरे को जो मौका दिया गया है इसके लिए शुक्रिया अदा। जो 2 CC रोड से एक 5 लाख का CC रोड और एक 2 लाख का CC रोड है, टोटल 7 लाख का है, मैं MLA साहब का और चेयरमैन मैडम का। मैं जो पटनमोनी 26 वार्ड लो डेवलपमेंटल वर्क CC रोड 5 लक्ष రూపాయల వర్తి గల ఒకటి మరియు మరొక CC రోడ్ 2 లక్షల రూపాయల వర్తి గల ఒకటి, రెండింటికి కూడా డాక్టర్ సంజయన గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భూమి పూజ నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు ఇంతకుముందు కౌన్సిల్లో కూడా చాలా వరకు అవసరం లేని పనులు, అలాగే పనులు పూర్తయిన తర్వాత కూడా కొన్నింటికి మరలా అని ఎస్టిమేట్ చేయించి కూడా టెండర్లు నిర్వహించడం జరిగింది. కొన్ని అత్యవసరమైన పనులకు కూడా టెండర్ నిర్వహించి గత సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల వరకు కూడా పనులు మొదలుపెట్టకుండా అలాగే ఉండిపోయాయి. వాటిని మేము ఐడెంటిఫై చేసి కూడా కొన్ని పనులు ఇదివరకే ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా మిగిలి ఉన్న వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి తొందరలోనే కూడా సార్ట్అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. అల్టిమేట్గా మా లక్ష్యమైన గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయన గారి లక్ష్యమైన కూడా ఒకటే, ప్రజల అవసరాలను తీర్చడం, అలాగే వారికి అత్యవసరంగా ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులను సమకూర్చడం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరియు మాకు తమ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయన గారికి, మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు సోదరిమణి అస్మా అంజుమ్ షకీల్ గారికి మరియు విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వార్డ్ నెంబర్ 26 में आज जो CC रोड के काम शुरू है, उस शुरुआत के वक्त मुझे यहाँ बुलाया था यहाँ का काउंसलर अंजुम शकील भाई, और इस सिलसिले में ये प्रोग्राम में शामिल हुआ था म्यूनसिपल चेयरपर्सन मोहतरमा। पूरा बहुत पुराना मोहल्ला है तेगीत्याल में, पहले से भी थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ रोडों के भी होने दो, ड्रेन्स के भी होने दो, नया रोड्स के लिए ज़रूर आज जैसा काम शुरू है ये काम चलते रहेंगे। जगित्याल के तरक्की के लिए अब तक ये आपको मालूम, मेन रोड में डिवाइड होने दो, सेंट्रल लाइटिंग होने दो, IMAS लाइट्स होने दो, और सबसे बड़ी काम स्वच्छ पानी पीने के लिए मिशन भगीरथा का पानी अब आ रहे, जो भी घरों में आ रहे वो एक स्वच्छ साफ पानी जो अपन को बाहर डब्बों में भी नहीं मिलता है उससे भी बेहतर पानी अब आ रहा है। वैसे ही थोड़ी जगहों में अर्बन में इंटर कनेक्शंस ने और जितने भी लाइना डाले हैं वो 50 साल पहले का लाइना है, मेन लाइन 50 साल पहले का है, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा है। गांव में पूरा नया टैंक आया है, यहाँ भी दरूर कैंप के टैंक 12 साल से खाली पड़े हुए, तो इस बार मेन लाइन से कनेक्शन लेके वो मेन टैंक को देने की वजह से वहाँ से अब दरूर कैंप, वहाँ के अर्बन हाउसिंग कॉलोनी लिंगमपेट तुलसी नगर तक पानी आ रहे हैं, यहाँ थोड़ी जगह पानी का मसला है। वैसे ही एरिया में ड्रेन्स का भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी बोल रहे थे सुवरों का भी बहुत प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं, उसका
जल्द से जल्दी उस वरों का से परेशानी अपन दूर करेंगे। और एक बात है, अभी जैसा हमारा शकील भाई बोले से, यहाँ संजय डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा मेजाट है। ज़रूर भैया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामपुरा के हर एक वोटर होने दो फैमिली को। वो तो मेरे को एक छोटा भाई वैसा समझ के, बड़ा भाई वैसा समझ के, बहुत बड़े फैमिली से मुझे मदद करे। आपको फिर एक बार शुक्रिया गुजारता हूँ और इसीलिए आपकी तरक्की के लिए भी काम करता हूँ। थोड़े लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम वो सब बात करते हैं, अपने केसीआर साहब एक बात बोलते हैं, तेलंगाना में एक गंगा जमुना के तहजीब रहना बोलते हैं। हम वही झंडा के नीचे है, हम भी वैसे ही रहेंगे। आपको मालूम है कि नहीं कि मगर इस बार रमज़ान शुरू है, ऐसा दिन ज़्यादा गरीब वहाँ अमीनाबाद में रहते हैं, वहाँ मस्जिद करें। मैं और बाली शंकर साहब हम और प्रवीण भाई हम जाके गरीब लोगों को 5-6 बजे जाके पहले इफ्तार हम ही करें। थोड़े लोग जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं और हिंदू लाई बंधु ला बोल के मेरे को भी लगाए, वैसे ही हिंदू बंधु अन पेटी नुकसान करके कविता जी को भी आ रहा है, एक अच्छा लीडर कर रहा है। वो टाइम पे ये कांग्रेस वालों मिलाकत हो गए, उसका प्रूफ भी है हमारे घर। मगर हम ऐसा नहीं, एक जैसा एक बात है, सेकुलर मुल्क है, अपने राजांग हमले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो लिखा गया है, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसी के मानते हैं। हमारा केसीआर साहब भी वही मानते हैं, मैं भी वही मानूंगा, हमारा काउंसलर होता है, हमारा हर एक टीआरएस पार्टी का झंडा पकड़ने वाले वही मानते हैं। दूसरी बात है, जब डेवलपमेंट की बात है आते हैं, डेवलपमेंट के बात आते हैं, तरक्की के बात आते हैं, सियासत बाजू रखते हैं। यहाँ ये मोहल्ला में वोट आए, यहाँ ना आए बोल के देखते हैं। जनरली थोड़े लोग देखते होंगे, अरे मेरे को वो मौका नहीं है, क्यों बोले तो 99 विलेजेस है पूरे गांव में मेरे को आठ है। जयतियाल में जब 38 वार्ड में मिल जाता है, रायकल में 12 वार्ड में मिल जाता है, मैं कैसे देख सकता हूँ? हर एक मोहल्ले पे मेरे को मिल जाता है, हर एक वार्ड पे, हर एक गाँव पे, तो मैं इक्वली देखना पड़ता हूँ। जरूर वैसे ही देखूंगा, नया है तो भी देखे, इससे पहले मैं हार गया हूँ, हरे वैसे थे क्या, सोबारा आके गया हूँ इस्लामपुरा। ऐसे ही थोड़े बारे में बोले और रोडों के बारे में और तालाब में पानी आ रहे उसके बारे में, चिंताकुटा चरवल नीलू कल रही माँ को बाध उ मुर्गी नील कल हमारे को भी तकलीफ हो रहे, उसके बारे में परसों कौंसिल में भी डिस्कस करें। बालशंकर अना एक्सपीरियंस, समील श्रीनिवास गार वीलू कल मन कौनसीलर्स कल प्लान पक्के तालाब इस्लामपुरा के आजूबाजू में यहाँ एक अच्छा मिनी टैंक बंट बनाए, वहाँ हिंदू मुस्लिम वैसा इस्लामपुरा ऐसे नहीं, पूरे टाउन के लिए बनाए। आप लोग अच्छा जा सकते, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, कोऑपरेट करते तो और भी डेवलपमेंट करेंगे। उस जमाने में जब मैं हार गया था, यहाँ के जो लोग जिम्मेदार लोग थे वो कभी भी हरीश राव साहब के जाके, इरीगेशन मिनिस्टर साहब के जाके 3 करोड़ बस रहे होते और थोड़ा होना बोल के कोई भी एक लेटर नहीं दिए, जबकि म्यूनसिपल चेयरमैन नहीं दिए। वो टाइम पे क्या हुआ, कोरोटला चौपादंडी में 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ तक विषय मिनी टैंक बंट लगाया, पर बात के एनहांसमेंट कराए, यहाँ इंजीनियर जो दिए वही हो गए। वो जब मैं हार गया था, मैडम तो आपको मालूम है जयतियाल से दिल्ली तक देखना गया, उसको उतना वक्त नहीं था, इस बीच में टेंडरा हो गए, उसका कवर कंप्लीट हुआ था, फिर भी एक साल कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलपमेंट बोले तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। ज़रूर और भी टैंक बंट के तरक्की के लिए म्यूनसिपल फंड्स भी रहते हैं, ज़रूर वो फंड्स इस्तेमाल करके डेवलपमेंट करेंगे। हमारा बालशंकर साहब भी है, उसके ऐसे ही फंड्स भी बहुत है, एक कोने पे पूरा वही रहता है, उधर अच्छा मिल गया। वैसा ब्रिज भी डलाया, वो एक्चुअली एस्टिमेट में नहीं था, ब्रिज भी डलाया, यहाँ से वहाँ तक भी जा सकते आप लोग। सो इसलिए आज इस्लामपुरा में एक वादा कर रहा हूँ, हम सबको मिल के ले जाएंगे। यहाँ के बुजुर्गों सब भी मुझे बहुत मदद दिए, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ भी यहाँ के मसले हैं, एक मीटिंग के बाद में ज़रूर अपन करेंगे, बात करेंगे, ज़रूर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम तो पहले परसों जीतने के बाद, आपको मालूम है इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन आया, म्यूनसिपल चेयरमैन साहब नया काउंसिल आने के बाद करोना वही परेशान है, इसके बावजूद भी म्यूनसिपल के लिए केसीआर साहब हर महीने 90 लाख रुपये आके जमा हो रहे। इस 5 महीने में 4.5 करोड़ रुपए आए, ज़रूर उसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़े लोग ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान बोल के एक बात,
ये पार्टी वो पार्टी बोल के एक बार, मगर जगत्याल के तरक्की के बारे में जगत्याल अभिवृद्धि ఎటువంటి పార్షాలిటీ ఉండదు, అందరినీ కలుపుకొని పోతామని చెప్పి కూడా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ నన్ను ఆహ్వానించిన మా కౌన్సిలర్ షకీల్ గారికి, పాల్గొన్న మిగతా పెద్దలందరికీ, కౌన్సిలర్స్కు, ఇక్కడ పెద్దలందరూ కూడా, అదేవిధంగా మున్సిపల్ అధికారులు డి గారికి, అధికారులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను.